माफ कीजिए वर्मा जी, आपको इंतजार करना पड़ा। बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? हम तो अपने काम का प्रोग्रेस देखने आए थे, देखिए ना बस 2 दिन रह गए डिलीवरी के और अभी तक आपने आधा काम भी खत्म नहीं किया। वर्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने बीच में ही ऑर्डर बढ़ा दिया था तो डिलीवरी में थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत मतलब नहीं नहीं वर्मा जी, उनका मतलब है कि आप ऑर्डर कभी भी देंगे, बीच में भी देंगे ना तो भी समय पे मिलेगा, बस आप निश्चिंत रहिए। ठीक है आप कहती हैं तो मान लेते हैं, चलते हैं टाइम पे ऑर्डर करवा दीजिए। जी जी जी। जानते हैं कि ये काम मुश्किल है लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है और ये हमारा मौका है बड़े ऑर्डर का। बड़ा ऑर्डर आएगा तो हम सबका काम चलेगा। दीदी आपकी जुबान पर तो हम सबकी जान हाजिर है, हम सब लोग दिन रात मेहनत करेंगे और आपकी जुबान को खाली नहीं जाने देंगे, हम ये ऑर्डर पूरा करेंगे। तो बोलो बाबा गरीबनाथ की जय। चलो जल्दी जल्दी शुरू करो। दादी दादी अम्मा हम आ गए। अरे शालू बड़ी जिद्दी हो तुम, कब से इंतजार कर रही हो हमारा? बस अभी अभी तो आई माँ, और भी इंतजार कर सकती थी क्योंकि हमें पता है ना अगर हम नहीं आते तो हमारी माँ पूरा रास्ता पैदल ही नाप लेती। अच्छा अब चलिए मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और अब तक तो ना बुलबुलियाँ भी आ गई होगी, चल के देखते हैं आज क्या कारनामा किया है उसने। ये समेटो पहले। अरे ये पंखा ना ही चल रहा। का हुआ पंखे को, खराब है का? हाँ कल से ना ही चल रहा है, जाके किसी मिस्त्री को पकड़ के लाओ। मिस्त्री आ गया है दादी, अब आपका पंखा ठीक करके ही रहेंगे। का मतलब? मतलब हमारी मिस्त्री मुस्कान दीदी है। अरे बढ़िया संभाल के। ये शालू दीदी कहाँ रह गई? आज तो वो हमें कॉलेज में देर करा के ही रहेंगी। अरे तुम कब से पढ़ने लगी? हाँ तुम्हें तो बस धमा चौकड़ी करना आता है, सवेरे सवेरे जाके अखाड़े में पहलवानी करोगी, हाँ? फिर उसके बाद कॉलेज जाके प्रोफेसर की नाक में दम करोगी। का दादी फिर से वही बात लेकर बैठ गई हो, बस भी करो ना। अरे का बस करें हैं? तुम में कोनो लड़की वाले लक्षण है ही नहीं, पता नहीं तुम्हारा कैसे ब्याह होगा। हमारा तो मती मर गया था जो हमने शालू के बाद कुलदेवी को मनाए थे कि अगली संतान लड़का देना, और कुलदेवी ने भी अच्छा मजाक किया हमारे साथ, लक्षण तो पूरे लड़का का दी और गोद में लड़की डाल दी। मुस्कान माँ, मुस्कान दीदी ने पंखा ठीक कर दिया। आराम से बुलबुलिया दीदी जरा पंखा ऑन तो कीजिए।
देखा दादी, आजकल लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। हम तो कहते हैं रंजू की बेटियां लड़कों से आगे हैं। आगे नहीं, बहुत ही आगे हो तुम लोग। देखना कहीं मुंह पे परीक्षा न लग जाए। अरे क्या बात होगी विमला, ऐसे काहे बोल रही हो? काहे कह रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता है? मार मार के क्या हालत कर दी है हमरे बेटे को। अरे ऐसे कोई अपना दुश्मन को भी नहीं मारता है। अम्मा आपकी पोती लोरे जिला ऊपर हो गई है। ये सब काहे? हे भगवान, तुम सबके सब पगला गई हो का? घर से बाहर निकल के ऐसे कारनामे करती हो, लोगों का जान लोगी। अम्मा जी, जरा इन लोगों की बात भी सुन लीजिए ना। बुलबुलिया, का वजह थी बताओ? हमें का बुलबुलिया बताएगी? अरे का दिख नहीं रहा, एक का हालत बना दी है। हद हो गई। अरे तेरी बेटियां लफुआ है लफुआ, रास्ते चलते हुए मार काट करती हैं, और ये बुलबुलिया हाँ ये तो सबसे ऊपर है। अरे तेरी ताकत अगर इतना ही जोर मार रही थी तो लड़का बन के पैदा हो गई होती महारानी। हम तो सोचे थे कि इनकी वजह से घर के दुख कम होंगे, पर नहीं, हमारी तो इन्होंने नाक ही कटा दी। दादी, हम नाक कटाए नहीं है, बचाए हैं। ये गुलवा जिस तरह की हरकत की है ना, उस हिसाब से मारते तो ये तिल्ली जैसी टांगे है ना, उस पर चल के यहाँ भी नहीं आ पाता। अरे बाप रे बाप, ये लड़की का जात होकर गुंडा बदमाश का भाषा में कह रही है। देख लिए ना अम्मा इसका संस्कार। अरे लेकिन आप कर भी का सकती हैं। वो कहते हैं ना कि जौन घर में मर्द का छाया ना हो वहां तो ऐसा छीछा लेदर होगा ही। और जब छोड़ी हुई औरत अपनी चार लड़की को लेकर तो मोहल्ले में रहेगी तो ये सब तो देखना ही होगा। मरद तो औरत को छोड़ के चला गया, हम लोग तो मोहल्ला नहीं ना छोड़ सकते हैं।